हाय स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन चलेगा, जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, मैं आपके लिए रेलवे से संबंधित जी कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और उसी पे अभी याद रखिए मेरे लाडलो चर्चा करने वाले हैं जी। तो दारा सिको किसका भाई था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दारा सिको किसका भाई था जी। याद रखिएगा मुगल वंश के छठा शासक कौन, औरंगजेब का भाई था। कौन? दारा सिको किसका भाई था, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो औरंगजेब। एक और सवाल आता है कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था। औरंगजेब की मृत्यु याद रखिएगा 1707 में हुआ था और उसके बाद जो गद्दी पर बैठा था उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम बोले? बहादुर शाह प्रथम। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा 736 ईस्वी में राजपूत वंश के तोमर शासक ने दिल्ली की स्थापना किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बना था उसका नाम क्या बोले? बहादुर शाह प्रथम। क्या बोले मेरे लाडलो? बहादुर शाह प्रथम। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो याद रखिएगा दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बोले? शाहजहां द्वारा। हाँ, हाइड्रा प्रजनन करता है, तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, बहुत पूछता है एग्जाम में कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 दिसंबर। कितना दिसंबर बोले? 14 दिसंबर। और ये सवाल तो फिजिक्स का, साइंस का ज़बरदस्त सवाल है कि पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है या सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो याद रखिएगा माँ बाप बोलता है ना तुम मेरा हीरा है, तो क्या है? हीरा जी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका लोगों के किस देश के द्वारा भेंट किया गया था, तो याद रखिएगा फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था जी। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या बोले? पेरिस बताएं जी। किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है, तो ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। हाल ही 2020 में इसरो ने एक बार में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए, तो याद रखिएगा 9 सैटेलाइट को पहुंचाए थे। पायरिया मानव शरीर के कौन संग प्रभावित करता है, बोलता है ना पायरिया हो गया है, मतलब क्या? डॉक्टर को दिखाना है, दांत वाला डॉक्टर को। हाँ, मसूड़ा का प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम जो होता है वो पायरिया के द्वारा जी। भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा नागपुर को जाना जाता है। कौन सा पुर बोले? नागपुर बोले जी। और याद रखिएगा कैबिनेट ने किस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक, क्या बोले? लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी है, तो डीबीएस बैंक को। कौन सा बैंक बताएं? डीबीएस बैंक। CO2 में कार्बन की प्रतिशतता मात्रा कितनी है जी, तो याद रखिए 27.3%। कितना बोले? 27.3 जी। कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखिए मेरे लाडलो विश्व बैंक के द्वारा। कौन सा बैंक बोले? विश्व बैंक बोले जी। एक सवाल बताए थे आपको, क्या दारा सिको किसका भाई था, तो याद रखिएगा औरंगजेब का भाई था। हाँ, और याद रखिएगा अर्थव्यवस्था में अति मुद्रा स्फीति का परिणाम होगा तो मुद्रा की कीमत में गिरावट, किसकी गिरावट बोले? मुद्रा की, है ना, कीमत में गिरावट में। एक बुक है द ग्रेट इंडियन बैंकिंग, इतने याद रखो। क्या बोले? द ग्रेट इंडियन बैंकिंग। इसकी रचना कौन किया है, तो हम लोग क्या पीते हैं सुबह को? चाय, मतलब टी, याद रख लो टी बंदोपाध्याय। क्या बोले? टी बंदो पाध्याय, बंधा हुआ है सुबह सुबह पीने के लिए चाय, इसीलिए याद रख लो टी जी। एक साढ़ के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, तो तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए जी। और याद रखिएगा कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है, है ना, जा सकता है, याद रखिएगा वो चेचक। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट होते हैं, याद रखिएगा ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है कि किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं, तो एमएस एक्सेल। किस में होता है? एमएस एक्सेल। कमेंट में बताएगा कि कॉलम कितने होते हैं और रो कितने होते हैं, किसका? एमएस एक्सेल का।
किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच